नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 11 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेल विधाओं में करेगी पुरस्कृत। बिहार को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। अब नवविवाहितों को उपहार में परिवार नियोजन किट देगी आशा। बिहार में मिले कोविड 19 के 400 से ज्यादा मामले। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद के हेल्थ से आई जुड़ी बड़ी अपडेट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट में आज से पुस्तकालय सहायक के पदों पर होगी नियुक्ति। अगर आप पटना हाईकोर्ट में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हमारी आज की एक खबर बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में पुस्तकालय सहायक के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। पटना उच्च न्यायालय में पुस्तकालय सहायक के 20 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जनरल के लिए 8 पद, ABC के लिए 4, SC के लिए 3, ST के लिए 1, BC के लिए 2, EWS के लिए 2 और महिलाओं के लिए 6 पद शामिल है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं के साथ ही डिप्लोमा की डिग्री आदि निर्धारित की गई है। इसके तहत कुल 20 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahaicourt.gov.in पर 11 जुलाई 2022 से आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 24 जुलाई तक की जा सकेगी। ये नोटिफिकेशन हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। बिहार सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न खेल विधाओं में करेगी पुरस्कृत, जल्दी करें आवेदन। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राज्य सरकार की तरफ से खेल में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल पुरस्कार और खेल सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में अब अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसको लेकर 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इसको लेकर खिलाड़ी और प्रशिक्षक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए लिंक khelpuraskar.bihar.gov.in के माध्यम से प्रविष्टि भर सकते हैं। 31 जुलाई तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। ऑफलाइन और अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन में उल्लेखित उपलब्धियों की सत्यापित प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य विशिष्ट खेल प्रशिक्षण सेवा सम्मान लगातार प्रशिक्षण देने वाले और उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई खेल उपलब्धि के आधार पर जीवन में एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार है। बिहार में मिले कोविड 19 के 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 421 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2103 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 6, अरवल में 5, औरंगाबाद में 4, बांका में 4, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 38, भोजपुर में 2, दरभंगा में 5, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 45, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 19, कैमूर में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 20, किशनगंज में 2, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 4, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 8, नवादा में 3, पटना में 167, पूर्णिया में 6, रोहतास में 10, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 2, सारण में 6, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 1, सुपौल में 5, वैशाली में 4 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 125,475 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 275 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। शेखपुरा के कुसैढ़ी गांव स्थित पंचमुखी शिवलिंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुसैढ़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित ये शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ और प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिला के अलावा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। ये अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप में सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, परंतु सावन महीने के हर सोमवार पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों की मान्यता है कि इस पंचमुखी शिवलिंग में वंश वृद्धि के साथ सौभाग्य की रक्षा और वैवाहिक आकांक्षा पूरी होती है। अब नवविवाहितों को उपहार में परिवार नियोजन किट देगी आशा। बिहार में अब नवविवाहितों को उपहार में परिवार नियोजन किट देने का काम आशा कार्यकर्ता करने वाली है। यानी कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग नवविवाहित जोड़ों को अब उपहार देने की योजना बना रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये ऐसा उपहार होने वाला है जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम मिशन के तहत परिवार नियोजन की सामग्री से युक्त होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना के तहत जनसंख्या नियंत्रण की एक पहल की है। घर घर जाकर किट देने की जिम्मेदारी आशा बहनों को दी गई है। योजना के तहत आशा कार्यकर्ता अपना क्षेत्र में घूम घूम कर नवविवाहित जोड़ों का पता लगाएगी और उन्हें किट उपलब्ध कराएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि किट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक पत्र भी होगा जिसमें परिवार नियोजन के फायदे के बारे में बताया गया है। बिहार के इन जिलों में शुरू होगी
प्लग एंड प्ले योजना बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच अब उद्योग विभाग की प्लग एंड प्ले योजना के तहत 5 जगहों पर आधारभूत संरचना विकसित करने की बात कही गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना के अतिरिक्त वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और भागलपुर में प्लग एंड प्ले योजना के तहत शेड तैयार किया जा रहा है। उद्योग विभाग की योजना है कि प्लग एंड प्ले योजना के लिए सभी 5 जगहों पर 2-2 लाख वर्ग फीट में शेड की व्यवस्था की जाएगी। प्लग एंड प्ले योजना के मूल में है कि यहां उद्यमियों को एक छोटी सी जगह पूरी आधारभूत संरचना के साथ उपलब्ध करा दी जाएगी। वहां वो अपनी मशीन लगाकर तुरंत काम शुरू करने की स्थिति में होंगे। अगर उद्यमी का कारोबार सफल नहीं होता है तो वो अपनी मशीन वापस ले जाने की स्थिति में भी होगा। बिहार के 7 महिला आईटीआई में इस साल से होगी नई ट्रेडों की पढ़ाई। बिहार के 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चालू वित्तीय वर्ष से नई ट्रेडों की पढ़ाई होने वाली है। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि पद के अनुसार राशि का भी प्रावधान किया गया है। अधिकारियों के अनुसार महिला आईटीआई दीघा, गया और मुजफ्फरपुर में आईटी एंड ईएसएम की पढ़ाई इस साल से होगी। वहीं महिला आईटीआई मोतिहारी और आरा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई होगी। महिला आईटीआई दरभंगा और गया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की पढ़ाई होगी। इन सभी 7 सरकारी महिला आईटीआई के लिए एक एक यूनिट के अनुसार हरेक में 21 सीटें बढ़ जाएंगी। बढ़ी हुई सीटों के आलोक में विभाग ने एक एक अनुदेशक के पद सृजित किए हैं। साथ ही 7 अनुदेशकों के लिए विभाग ने 1 करोड़ राशि का प्रावधान कर दिया है, जो उनके वेतन और अन्य मुद्दों में खर्च होगा। पर टाइम्स में अब नहीं होगी डॉक्टरों की कोई किल्लत। बिहार की राजधानी पटना एम्स में डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब जल्द ही समस्या का समाधान निकलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना एम्स में डॉक्टरों की किल्लत अगले महीने तक दूर होने की उम्मीद है। कम संसाधन और अधिक काम के बोझ के कारण पिछले दिनों कई डॉक्टरों ने पटना एम्स को छोड़ने का काम किया। वर्तमान समय में नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन अगस्त तक सभी विभाग में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सभी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति कर ली जाएगी, ये जानकारी एम्स के नवपदस्थापित निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने दी है। वहीं एम्स निदेशक ने बताया कि काफी दिनों से अस्पताल डॉक्टरों को प्रमोशन नहीं दी गई है, इसके लिए शीघ्र ही कमेटी का गठन किया जाएगा। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी, इसके बाद पारा मेडिकल कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। आने वाले समय में बिहार वासियों को ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी राशि देने जा रही है। इसकी जानकारी बीते दिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,460 करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराएगी, जो ब्याज मुक्त होगा। यानी कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार बिना किसी ब्याज दर के बिहार को 50 वर्षों के लिए अतिरिक्त ऋण देगी। उन्होंने बताया कि ये राशि पूंजीगत व्यय के लिए होगी। सड़क, पुल, पुलिया, विद्युत संरचना आदि निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्य सरकार को इसके लिए योजना बनाकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजना होगा। बिहार में यहां लगती है नामों की मंडी। बिहार अपने साथ कई विविधताओं को समेटे हुए है। ऐसे में बिहार के पास कई सारी चीजें हैं जो आमतौर पर किसी को भी आश्चर्यचकित करने का काम करती है। इसी बीच अब हाल ही में बिहार में अब नावों की मंडी होने का खुलासा हुआ है, जिसके तहत ही बिहार के बेगूसराय में एक ऐसी मंडी भी लगती है जहां राज्य के लोग तो पहुंचते ही है, पड़ोसी देश नेपाल के जरूरतमंद लोग भी आते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मानसून शुरू होते ही बेगूसराय जिले के गढ़पुरा में नाव की मंडी सजती है। ये मंडी मानसून आते ही ग्राहकों से गुलजार हो जाती है। बताया जाता है कि उत्तर बिहार में ऐसे तो कई इलाकों में नाव की खरीद बिक्री होती है, लेकिन गढ़पुरा की नाव काफी मजबूत और टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण मानी जाती है। नाव बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि अप्रैल मई महीने में नाव बनाने का काम शुरू हो जाता है। श्रावणी मेले से जुड़ी लेनी है जानकारी, तुरंत ले इस मोबाइल ऐप पर। अगर आप भी जल्द ही शुरू होने वाले श्रावणी मेले का हिस्सा बनने वाले हैं तो आपके लिए आज की हमारी यह खबर बेहद ही खास है, क्योंकि श्रावणी मेले से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मोबाइल ऐप से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सावन महीने में कांवरियों के लिए आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को लेकर पर्यटन विभाग ने इस बार विशेष तैयारी की है। श्रावणी मेले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर मिलेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने विशेष मोबाइल ऐप बनाया है। इसमें श्रावणी मेले दौरान बनाई गई टेंट सिटी में खाली जगह, मेडिकल कैंप, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। जानकारी के मुताबिक श्रावणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए मंच भी बनाए जा रहे हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद के हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट आई सामने। दिल्ली एम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। मीडिया में आई ताजा जानकारी के उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर बताई गई है और उसमें लगातार सुधार हो रहा है। अब वो खुलकर बातचीत कर पा रहे हैं, कुर्सी पर भी पहले की अपेक्षा अधिक देर तक बैठे रह पा रहे हैं, हल्का भोजन ले रहे हैं, सहारा लेकर उठ बैठ पा रहे हैं। रविवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू से मुलाकात की। बाद में पटना से लालू प्रसाद को बुधवार को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया, वहां इलाज के बाद उनकी स्थिति बेहतर हुई। इस बीच उनकी पुत्री मीसा भारती और पुत्र तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत में सुधार को लेकर जानकारी देते रहे। बिहार से मानसून ट्रफ गायब,
गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल। बिहार में इस साल लोग बारिश के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद लोगों की यही उम्मीद थी कि अब बिहार में गर्मी का सतन खत्म हो गया है, लेकिन आलम कुछ हुआ है कि जुलाई का दूसरा सप्ताह चल रहा है और अब तक किसी इलाके में पर्याप्त बारिश भी नहीं हुई है। जुलाई के पहले सप्ताह में कम बारिश से परेशान किसान अब आसमान की तरफ निहार रहे हैं, लेकिन बादल कहीं नहीं दिख रहा। बारिश नहीं होने के कारण बिहार में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है। इस बीच मौसम कार्यालय ने भी ये कह दिया है और उम्मीद दी है कि अगले सप्ताह तक ऐसी ही स्थिति पूरे राज्य में बनी रहेगी। वैसे राहत की बात यह है कि इस दौरान राज्य के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। 12 जुलाई को पटना में इन सड़कों पर वाहनों का परिचालन रहेगा वर्जित। 12 जुलाई की तारीख बिहार के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री मोदी खुद बिहार आ रहे हैं। वहीं उनके बिहार आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसके तहत ही पटना आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में 12 जुलाई को शाम 4 बजे से पीएम मोदी के दिल्ली प्रस्थान तक पटना की कई सड़कों पर सामान्य और व्यावसायिक वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी के काफिले के गुजरने वाली रूटों पर यातायात प्रतिबंध की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत मुख्य रूप से हवाई अड्डे से विधानसभा परिसर की तरफ से जाने वाली सड़कों और उससे जुड़ने वाली सड़कों पर आम लोगों के प्रवेश और वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। यह सख्ती पटना के कुल 11 मार्गों पर की गई है। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी और डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। बॉलीवुड और बिहार की जानी मानी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बटोर रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सोनाक्षी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की थी जिसमें उनके हाथों में एक अंगूठी नजर आ रही थी। लेकिन अब इन सभी अटकलों को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने खुद अपना बयान जारी किया है। इसको लेकर ही एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बीते दिन सोनाक्षी ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर मेरे बारे में बात की जा रही है तो मैं अपने काम के बारे में बात करना पसंद करूंगी, लेकिन लोग निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा उत्सुक है। वो जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और वो इसको लेकर अनुमान भी लगाते हैं। जब तक मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं हमेशा से ऐसी ही हूं और ये मेरे सोशल मीडिया पर भी दिखता है। मेरे लिए इसे बैलेंस करना बहुत आसान है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गिरेंद्र शेखर बोस की। गिरेंद्र शेखर बोस का जन्म 30 जनवरी 1887 को बिहार के दरभंगा बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। गिरेंद्र शेखर बोस 20वीं सदी के शुरुआती दक्षिण एशियाई मनोविश्लेषक थे, जो भारतीय मनोविश्लेषणात्मक समाज के पहले अध्यक्ष थे। बोस ने सिगमंड फ्रायड के साथ 20 साल की बातचीत की। फ्रायड के ओडिपल सिद्धांत की बारीकियों पर विवाद करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कुछ लोगों ने पश्चिमी पद्धतियों के गैर पश्चिमी संघर्षों के प्रारंभिक उदाहरण के रूप में इंगित किया है। इसके अलावा उन्होंने आरजी में भारत में पहली सामान्य अस्पताल मनोचिकित्सा इकाई भी शुरू की। मंत्री लेसी सिंह 1 महीने के अंदर दोबारा कोरोना पॉजिटिव। बिहार सरकार के मंत्री लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वो फिलहाल अपने पूर्णिया स्थित आवास में आइसोलेटेड है। पिछले महीने भी वो कोरोना संक्रमित पाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने भी लेसी सिंह कोरोना संक्रमित हो गई थी। तब बेतिया में मंत्री लेसी सिंह महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। मोतिहारी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ही तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों से संपर्क करने पर एंटीजन टेस्ट के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्री लेसी सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्री लेसी सिंह ने अपने समर्थकों से आवास पर नहीं आने का अनुरोध भी किया है। तबादले पर भाजपा जदयू में शुरू हुए तकरार पर राजद ने दिया बयान। इन दिनों तबादले पर भाजपा जदयू में तकरार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय के बयान के बाद तो अब इसमें विपक्ष की राय भी सामने आने लगी है। इसी कड़ी में एनडीए में जारी गतिरोध के बीच अब राजद ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही बीते दिन इस मामले को लेकर एक बार फिर से जदयू और भाजपा के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसको लेकर ही राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि न केवल संबंधित विभागों का प्रभार संभालने वाले रामसूरत रॉय मंत्रालय, बल्कि हर मंत्रालय की स्थिति एक जैसी है। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पहले आरोप लगाया था कि तबादला तैनाती के लिए हर मंत्रालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तिवारी ने कहा कि उनके नेता तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग फल फूल रहा है। रामसूरत रॉय के मामले पर जदयू खामोश। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने विभाग में बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश को सरकार द्वारा निरस्त किए जाने पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद इस मुद्दे पर जदयू और भाजपा के नेताओं के बीच तकरार साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि जो नियुक्ति करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रामसूरत रॉय पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, जबकि कांग्रेस ने रामसूरत रॉय को पद से इस्तीफे की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े ट्रांसफर पर रोक लगाए जाने के बाद मंत्री रामसूरत ने ऐलान कर दिया है कि अब विभाग चलाना बेवकूफी है। उन्होंने कहा था कि अब वो जनता की कोई शिकायत नहीं सुनेंगे। मंत्री ने विधायकों को भी कह दिया था कि अगर काम कराना है तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाए। पीएम पोर्टल पर अपशब्द और धमकी करने वाला हुआ गिरफ्तार।
इन दिनों सोशल मीडिया पर अपशब्द का इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। कोई भी किसी भी आईडी के माध्यम से अपशब्द का इस्तेमाल कर लेता है। हालांकि किसी छोटे मोटे सोशल मीडिया हैंडल पर करने के बाद तो ऐसे लोग बच जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक शख्स ने पीएम पोर्टल पर अपशब्द और धमकी का इस्तेमाल किया। फिर क्या था, प्रधानमंत्री पोर्टल पर अपशब्द और धमकी भरा मैसेज भेजने के आरोप में एक शख्स को बिहार से समस्तीपुर से गिरफ्तार करने का काम किया गया है। इसको लेकर एसपी हृदयकांत के निर्देश पर पटोरी और मोहनपुर ओपी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान मोहनपुर ओपी क्षेत्र के चपरा ग्राम निवासी रुदल रॉय के रूप में की गई है। रुदल रॉय पटोरी में एसबीआई के एटीएम में प्राइवेट गार्ड के रूप में काम करता है। मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर शनिवार देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई। रामसूरत रॉय को मनाने पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बिहार एनडीए में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। इसी बीच अब रामसूरत रॉय को मनाने का काम शुरू हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश करने के बाद मंत्री रामसूरत रॉय पटना छोड़कर अपने मुजफ्फरपुर आवास पर चले गए हैं। उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है और वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे। इस बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रविवार को रामसूरत से मिलने के लिए उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर पहुंच गए। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय को मनाने के लिए डिप्टी सीएम उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान रामसूरत रॉय ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी देर में अकेले में बातचीत भी हुई। इसके बाद डिप्टी सीएम दरभंगा के लिए रवाना हो गए। लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे चिराग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में इन दिनों काफी सुधार हो रहा है। हालांकि अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, जिसके बाद से उनकी सेहत जानने वालों का तांता अस्पताल में लगा हुआ है। इसी कड़ी में बीते दिन उनसे मिलने लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे, जहां पर चिराग पासवान अपनी मां के साथ दिल्ली एम्स पहुंचे। यहां पर उन्होंने राजद सुप्रीमो से सेहत की जानकारी ली। लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीर शेयर की। तस्वीर शेयर करते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट किया कि आज मैंने मां के साथ एम्स दिल्ली में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। श्री लालू प्रसाद यादव जी की सेहत में पहले से सुधार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु शीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ उन्हें प्रदान करें। आयकर विभाग के कर्मियों के लिए जल्द शुरू हो जाएगी सुविधा। आयकर विभाग के कर्मियों को, खासकर महिलाओं को, कार्यालय समय के दौरान छोटे बच्चों की देखभाल करना भी संभव होने वाला है। बहुत जल्द आयकर विभाग के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पालना घर की सुविधा शुरू होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 24 जुलाई को आयकर दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें कोई भी कर्मी अपने 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को कार्यालय अवधि के दौरान रख सकते हैं। यहां उनकी समुचित देखभाल की जाएगी। इसके लिए ट्रेड नर्सिंग स्टाफ या आया की बहाली भी की जाएगी। बिहार में आयकर विभाग पहला केंद्रीय कार्यालय है जहां कर्मियों के लिए क्रेच होम की सुविधा शुरू की जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुंबई उपनगरीय में 2004 को 7 रेल बम विस्फोट हुआ। सोया बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल 1889 में बना। चर्चित चित्रकार एमएफ हुसैन ने 2007 में न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने 2010 में नीदरलैंड को 0-0 हराकर खिताब जीता। भारतीय फिल्म अभिनेता कुमार गौरव का जन्म 1960 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का जन्म 1902 में हुआ था। भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन 2003 में हुआ था। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खान का निधन 1957 में हुआ। आज ही के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिरी मैच जीतने में रहे नाकामयाब, लेकिन सीरीज पर भारतीय टीम ने दर्ज किया जीत। इंग्लैंड ने नॉटिंगम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारत को 17 रनों से बीते दिन हरा दिया। इस हार के बावजूद टीम इंडिया ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने शतक जरूर जड़ा, मगर अन्य खिलाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल और दीपक हुड्डा ये कारनामा कर चुके हैं। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड मलान के 77 रनों के दम पर 215 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पंत एक तो विराट कोहली और रोहित शर्मा 11-11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी की। अय्यर के आउट होते ही दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और इसके बाद भारतीय टीम जो है वो हार गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि टीम सीरीज जीतने में जरूर कामयाब रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है देवराज कुमार, मनीषा कुमारी, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, देवराज सिंह, पंकज सोना, प्रेम कुमार, राज यादव, धनजी, मुन्ना यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार, आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबले में कौन से खिलाड़ी आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।